जरा प्लीज कोल इंडिया को जज करते हैं। राहुल शर्मा जी, कोल इंडिया आपका बहुत बेहतरीन तरीके से रीड किया हुआ और एक्सप्लेन किया हुआ स्टॉक है, कई बार आपने रिकमेंड भी किया है। जिस प्रकार का ओआई एडिशंस है यहाँ पर और जिस प्रकार का इसका प्राइस बिहेवियर है, अब नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट कोई ऑप्शन ट्रेड? जी हाँ, शुक्रिया विदेश जी। देखिए, कोल इंडिया का जो सेटअप है वो यहाँ पर काफी बुलिश है और मेरे हिसाब से जरा भी यहाँ पर गेटगो नहीं हुआ है। ट्रेंड के अंदर ये ब्रेकआउट हमने तकरीबन 200 रुपए के आसपास देखा था और लगातार यहाँ पे स्ट्रेंथ स्टॉक में बनी हुई है। मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर आप 205 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर भी लॉन्ग कर सकते हैं। आई थिंक पोजिशनल ट्रेडर्स को यहाँ पर 250 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऑप्शन चेन मेरी फिलहाल यहाँ पर लोड नहीं हो पा रही, लेकिन एंटीमनी ऑप्शन की बात करूँ तो 220 का कॉल ऑप्शन लेकर इस मोमेंटम को पार्टिसिपेट किया जा सकता है। प्राइसेस मेरे पास नहीं आ रहे, लेकिन टारगेट जो है स्टॉक का तकरीबन 245-250 तक का रहेगा। 205 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक 10% की अपसाइड और यहाँ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 219 के आसपास 2% ऊपर, और इस वीक इसने सोमवार और आज के दिन मिलाकर अच्छी तेजी दिखाई है। याद रखिएगा, कोल इंडिया के नतीजे